Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Kya haal hai? Theek hai aap log? Faiz ne thodi si tafseel bata di hai. Ek idara hum farm karne ja rahe hain, kar rahe hain koshish ke society mein ek idara ho jo education ke hawale se support provide kare. तो इस इदारे की पहले हमने दो तीन सेशन लिए हैं, बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग पर काम किया है और टीचर्स ट्रेनिंग हमने कराई है. आज इस सिलसिले का तीसरा जो है वो प्रोग्राम है. आज का प्रोग्राम ज़रा मुश्किल है इसलिए कि बच्चों से बात करना आसान है, टीचर से बात करना बहुत आसान है, प्रिंसिपल से बात करना, मैं खुद भी एक प्रिंसिपल हूँ तो थोड़ा सा मुश्किल मुझे महसूस हो रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो गुजारिशात यहाँ रखी जाएंगी उन्हें आप बहुत गौर करेंगे और जो खामियाँ इसमें निकलेंगी हम बड़े दोस्ताना माहौल में उसे एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे. मैं जो बात कह रहा हूँ वो कोई फाइनल नहीं है, वो मेरी अपनी स्टडी है, आपकी स्टडी में कुछ और बातें भी शामिल होंगी और ये शेयरिंग ऑफ आइडियाज है. आज की जो क्लास है आज का वो तीन सेशन हम लेंगे, आज एक, अगले हफ्ते को एक और फिर उससे अगले हफ्ते को एक. तो इसमें जो हमारा माहौल होगा स्टडी का वो शेयरिंग ऑफ आइडियाज होगा. तो आप भी जो है वो कोई नया आइडिया अगर दौराने लेक्चर कोई नई बात आपके जहन में भी हो मौजूद उस जैसी ही, तो वो भी आप जो है वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. तीन सेशन में पहला सेशन जो है, असल में ये ख्याल कैसे आया कि एक ऐसा सेशन बनाया जाए, एक ऐसा कोर्स बनाया जाए जो प्रिंसिपल को ये बताए कि उसे स्कूल कैसे चलाना है. ठीक है, यकीनन सारे प्रिंसिपल काफी अरसे से स्कूल चला रहे हैं, उन्हें ही बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे चलाया जाए, लेकिन कुछ दोस्त मेरे ऐसे हैं जो नए हैं बिल्कुल ना, अभी फील्ड में आए हैं, तो वो मुझसे अक्सर सवाल पूछते हैं जब भी कहीं बैठता हूं. तो वे कहते हैं कि सर ये बताइए एक प्रिंसिपल को करना क्या है. एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने तो बड़ा जबरदस्त कहा, भाई मैं तो स्कूल जाता हूँ, बैठ जाता हूँ ऑफिस में, ठीक है चाय मंगवा लेता हूँ बिस्किट के साथ, वो पी लेता हूँ और फिर कुछ अगर प्रॉब्लम्स आए, शिकायत आ रही है तो मैंने हैंडल कर ली और दोपहर में हम पैसों के लिए कहते हैं ले आओ भाई सारे पैसे, अकाउंट दिखा दो एंड दैट्स इट. तो मैंने उसको कहा और भी तो काम है बहुत से, कहने लगे आप बताएं क्या काम है, प्रिंसिपल का क्या काम है, वो क्या करे ऑफिस में जाके अपने. तो मैंने ये जरूरत महसूस की कि एक पूरा होल सोल आइडिया हम जो है वो प्रेजेंट करें कहीं, कि जो नए लोग आ रहे हैं वो देख पाए कि भाई ये है प्रिंसिपल, ये है उसके काम. ठीक है, तो इस आइडिया के तहत जो है वो ये प्रोग्राम जो है वो डिजाइन किया गया. अच्छा, इस प्रोग्राम के तीन हिस्से हम ने किए हैं. पहले हिस्से में आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट टू डू, प्रिंसिपल को करना क्या है. इसके अगला जो सेशन होगा अगले वीक में उसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डू, इसे कैसे करना है. सही है, और जो तीसरा सेशन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान, यानी क्या करना है और कैसे करना है, इसको मर्ज करके एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे. पूरा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो तो बहुत बड़ा काम है, लेकिन एक सैंपल जो है वो आपके सामने आ जाएगा कि व्हाट टू डू और हाउ टू डू को मर्ज करके कैसे हम एक प्लान तैयार करते हैं जिसे हम अपने स्कूल में इंप्लीमेंट करते हैं और स्कूल के अंदर चेंज आना शुरू हो जाता है. इसको हम कहते हैं स्कूल इंप्रूवमेंट प्लान. तो ये तीनों कड़ियां जब फाइनलाइज होंगी तो जुड़ पाएंगी. ठीक है, तो अगर हम इस कड़ी में हैं और अगली कड़ी में नहीं है और फिर तीसरी कड़ी में है तो बहुत सारी चीजें जो है वो गैप में चली जाएंगी. मेरी गुजारिश यही है कि सेशन को हम कोशिश करें कि कंटिन्यू करें, और अगर आप नहीं कर पाए किसी वजह से तो ये सब चीजें मैं अपलोड करता हूँ वेबसाइट के ऊपर, तो आप उस वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं रिपीटेशन के लिए कि क्या चीज रह गई.
आज की जो क्लास हमारी है, मैंने आपको पेपर एक दिया हुआ है। पहला पेपर ये लाइट फाउंडेशन है। इसके पीछे अगर आप जाएंगे तो ये एक पूरी हायरार्की मैंने बनाई है। आप अगर देखेंगे तो बीच में लिखा हुआ स्कूल मैनेजमेंट व्हाट टू डू, ठीक है। तो इस स्कूल मैनेजमेंट में क्या करना है, ये सारे हमने ब्रांचेस में विजुअली यहां आपके सामने रख दिया है, ठीक है। हम एक एक करके ये सारी चीजें जो है वो स्टडी करेंगे आज के सेशन में। पानी मुझे चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, शुरू जो मैं आपके साथ करूंगा, कुछ तमहीद से हम स्टार्ट लेंगे और उसके बाद जो है वो आते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे। तमहीद में बात यह है कि स्कूल जो है वो बड़ा बुनियादी इदारा है किसी भी कौम को डेवलप करने का, ठीक है। और मेरा ख्याल ये है कि कोई और इदारा है ही नहीं जो कौम डेवलप करता हो, ठीक है, जो अफराद को लर्निंग बेसिस के ऊपर उनके शऊर और आगाही पर काम करता हो। ऐसा कोई इदारा जो है वो नहीं है। और इसकी सेंसिटिविटी भी बहुत है। एक बच्चा हमारे पास जो है वो मॉन्टेसरी में दाखिल होता है और दसवीं जमात तक हम उसे पढ़ाते हैं। लगभग जिंदगी के 13 साल वो हमारे पास गुजारता है और 13 साल में वो साल होते हैं जो उसकी बिल्कुल शौरी बेशौरी की कैफियत से शुरू होकर शौर की कैफियत तक हम उसको पढ़ा रहे होते हैं। ब्लैंक आता है वो हमारे पास। अब स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हो जाती है, ठीक है। या तो वो अच्छे शहरी दे रहा होता है, अच्छे इंसान डेवलप कर रहा होता है, या फिर वो नाकाम हो जाता है अच्छे शहरी बनाने में, ठीक है। तो स्कूल बड़ा कॉम्प्लेक्स शोभा है और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का शोभा है। मैं इसको ऐसे महसूस करता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है वो एक मौल्लिम है, तो वो भी हमारे लिए जो है वो उस्ताद का दर्जा रखते हैं। दुनिया में वो भी आए हैं लोगों को तब्दील करने के लिए। हमारा जो शोभा है वो भी दरअसल लोगों को तब्दील करने का शोभा है। तो मैं इसको यूं समझता हूं कि जरूरी है कि हर प्रिंसिपल, हर स्कूल चलाने वाला इदारा अपने आप को उस मुकाम पर रखे कि वो काम कर रहा है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे और हम भी उनके वारिस हैं, ठीक है। उन्होंने लोगों को शऊर देने के लिए अपनी जिंदगी लगाई, हम भी लोगों को शऊर देने के लिए अपनी जिंदगी लगा रहे हैं इस एहसास के साथ। अच्छा, इसमें जहां जिम्मेदारी है वहां इनामात भी हैं और अगर जिम्मेदारी से एराज है तो वहां पकड़ भी बहुत है। मैं अपने बारे में ये सोचता हूं कि सबसे ज्यादा सख्ती का मामला, वो कोई मैंने रिवायत पढ़ी है, 3 लोगों के साथ सख्ती के साथ जो है वो हिसाब किताब होगा। एक हुक्मरान, दूसरे आलिम और तीसरा उस्ताद, ठीक है। यानी इनका जो हिसाब है वो नॉर्मल नहीं होगा खुदा के सामने। तो ये आसानी से नहीं छूटेंगे, इसलिए कि ये जाति मामलात नहीं है इनके साथ, बल्कि ये इज्तिमाई मामले में फंसे हुए हैं। हुक्मरान का हिसाब बहुत सख्ती से होगा, आलिम का हिसाब बहुत सख्ती से होगा और उस्ताद का हिसाब बहुत सख्ती से होगा। तो हमें ये बात हर लम्हा अपने ज़हनी पैरामीटर्स में रखनी चाहिए कि ये मामला इतना आसान नहीं है, ठीक है। स्कूल चलाना या पढ़ाना ये कोई मामूली काम नहीं है। फिर इनामात भी इसके बहुत हैं। आप अच्छा पढ़ाएंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस कहलाएंगे और जन्नत भी आपको आला मुकाम की और आला दर्जे की मिलेगी। तो ये एक तमहीदी बात हमें हमेशा जहन में रखनी चाहिए। मैं जब भी स्कूल आऊं, मैं अपने ऑफिस में बैठूं, मेरे जहन में ये बात हो कि ये जिस मसनत पे मैं बैठा हूं ये इतनी आसान नहीं है और इतनी सादा नहीं है। ये तमहीद के बाद मैं शुरू करता हूं
आप देख रहे हैं कि ये आपके पास एक पेपर मैंने दिया है, ठीक है। इस पेपर में यहां से मैं शुरू करूंगा, स्कूल एज एन ऑर्गेनाइजेशन। आप सब लोग पकड़ पाए मेरी बात, यहां से शुरू करूंगी। जो ब्लू कलर की लाइन है, स्कूल एज एन ऑर्गेनाइजेशन, पहले मैं यहां जाऊंगा, उसके बाद इसके नीचे आऊंगा ह्यूमन नेचर एंड कमिटमेंट, उसके बाद मैं आऊंगा मैनेजमेंट प्रोसेस। ये तीन चीजें मैं पहले सेशन में, यानी अपने इस लेक्चर के पहले हिस्से में, ये तीन चीजों पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, स्कूल एज एन ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन नेचर एंड कमिटमेंट और मैनेजमेंट प्रोसेस। तो स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जैसे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है। ये जब हम प्रिंसिपल लोग ऐसे सोचते हैं ना, स्कूल भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो सवाल ये है कि किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। एक तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है जो चीज बनाती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सर्विसेज की होती है। स्कूल कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये बड़ा क्लियर करना बड़ा जरूरी है, ठीक है। क्योंकि जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो बाज़ औक़ात हमने देखा है कि हम वो वाली मैनेजमेंट कर रहे होते हैं जो दरअसल फैक्ट्री में करनी है। बाज़ औक़ात हम वो मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, मैनेजमेंट के वो उसूल इख्तियार कर लेते हैं जो दरअसल किसी सोशल इदारे में करनी है। बाज़ औक़ात हम मैनेजमेंट के वो उसूल इख्तियार कर लेते हैं जो बड़ी कॉरपोरेट में लगते हैं। तो हमें ये थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो समझना पड़ेगा कि स्कूल की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ी सी क्या है, मुख्तलिफ है। तो हमारा जो पहला जो सोचने का यहाँ मॉड्यूल है वो है कि स्कूल कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो आप अगर जाएं पेपर्स के अंदर, अब मैं इन पेपर्स में आ गया हूं, ये जो पेपर्स हैं, इस पेपर्स में हमने डिस्कस किया है आपसे, द स्कूल इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन बाय मेयर वर्च्यू ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सिटी रन अप अगेंस्ट फोर बेसिक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। देखिए, जब भी हम मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, जब मैनेज करना चाहते हैं किसी इदारे को, तो उस इदारे में ह्यूमन रिसोर्सिस के साथ, यानी जो अफरादी कुव्वत है, उनके साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं मैनेजर्स के। जैसे हमारे यहाँ टीचर्स हैं, हमारे यहाँ नॉन टीचिंग स्टाफ है, हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, फिर हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं। जब आप इन सबको मैनेज करने जाएंगे तो क्या होगा, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं। किसी कंपनी को मैनेज करने जाएंगे, वहाँ क्या होगा, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे, ठीक है। तो हम अब इन कॉन्फ्लिक्ट्स के रुख से स्कूल की ऑर्गेनाइजेशन को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए, अगर नीचे एक ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, इस चार्ट के अंदर जो है वो ये चार कॉन्फ्लिक्ट डिस्कस किए गए हैं कि स्कूल के अंदर जब आप ऑर्गेनाइजेशन करने जाते हैं तो आपके सामने कितने कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, चार कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। नंबर एक, फॉलोइंग पॉलिसी वर्सेस सेंसिटिविटी, फॉलोइंग पॉलिसी वर्सेस सेंसिटिविटी। इसका मायने यह है कि जब आप एक पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है, और पॉलिसी बनाकर अपने लोगों को देते हैं, असातेजा को, स्टूडेंट्स को प्लान बना के देते हैं, तो हम कहते हैं कि जी आप इसको फॉलो करें। अच्छा, जब वो फॉलो करने जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि वो 100% फॉलो कर लेते हैं, इसलिए कि सामने लोग हैं, ठीक है, वो महसूस करते हैं, वो कभी फैसला कर लेते हैं कि नहीं, ये जो बात कही जा रही सही नहीं है। जैसे मैं ये कहूं कि भाई चौथी क्लास में हर बच्चे को लाजमी आपको मैथ की फ्रैक्शन की प्लस माइनस सिखा देनी है, अब टीचर जब जाता है क्लास के अंदर तो पता चलता है कि इसमें तो बच्चों को बुनियादी प्लस माइनस नहीं आ रही, सही है। पॉलिसी आपने क्या बनाई है, फ्रैक्शन ये पढ़ाना आपको, उसने क्या नोट किया जाके, मामला तो सेंसिटिव है, ये तो बच्चे प्लस माइनस नहीं जानते, उसने क्या करा, आपकी पॉलिसी को रखा एक तरफ और खड़ा हो गया क्या कराने, प्लस माइनस। अब जब आपने देखा, आपके कोऑर्डिनेटर ने देखा, आपको रिपोर्ट किया कि सर वहां तो फ्रैक्शन वरेक्शन नहीं हो रहा, वो तो प्लस माइनस सिखा रहे हैं, आपका और उनका क्या होना है, कन्फ्लिक्ट होना है, सही, मेरी बात पकड़ पा रहे हैं आप लोग। ये कन्फ्लिक्ट कहां होगा, जहां पॉलिसी वर्सेस सेंसिटिविटी,
जब पॉलिसी इंप्लीमेंट करने जाएगा कोई, तो वहां मामला क्या आ जाएगा, सेंसिस का आ जाएगा, उसके अपने एहसास शामिल होंगे। इसलिए कि जो आपकी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने जा रहा है वो रोबोट नहीं है, वो इंसान है, ठीक है। वो सोचेगा कि यार ये सही है या गलत है, तो एक तो ये कंफ्लिक्ट आएगा। इज इट क्लियर? इसमें ये मैंने एग्जांपल में सामने लिख दिया, स्टैंडर्डाइजेशन वर्सेस इंडिविजुअलाइजेशन, यानी स्टैंडर्ड कुछ कहता है और इंडिविजुअल जो है वो किसी और दर्जे में बैठा होता है, तो यहां पर क्या होगा, लाजमी कंफ्लिक्ट आएगा। ये बात क्लियर होगी? दूसरा कंफ्लिक्ट जो नॉर्मली आता है वो डेलीगेटिंग अथॉरिटी वर्सेस अथोराइज्ड गोल। हर लोग कहते हैं आप हमें अथॉरिटी दें, जब आप काम लेना चाहते हैं किसी से, तो अगर उनको ये एहसास हो जाए ये तो नौकर समझ रहे हैं हमें, तो वो काम नहीं करते उस पोटेंशियल के साथ, वो कहते हैं जी इख्तियार दें। अच्छा, फिर जब आप उनको इख्तियार देते हैं तो वो इख्तियार का क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं। मिसयूज करने का मतलब, वो क्लास में गए, बच्चों को बोला भाई मुझे आपने इख्तियार दिया था कि ठीक है आप खुद फैसला कर लें कि जो आप बेहतर समझते हैं करें, तो उन्होंने क्या करा, बच्चों को नीचे ही उतार लिया और बाहर खिलाने ले गए। अथॉरिटी दी थी ना आपने, भैया आप फैसला कर लिया करें कि आपको क्लास के लिहाज से क्या चीज करानी है। उन्होंने क्या फैसला किया, बच्चों ने कहा आज हमारा पढ़ने का मूड नहीं है, आज हम चाहते हैं कि आप हमें कोई बाहर की चीज दिखाएं, तो उन्होंने इस अथॉरिटी को यूज किया और वो बाहर लेके चले गए, तो ये कंफ्लिक्ट आ गया। अब जो प्रिंसिपल है और जो आपकी मैनेजमेंट है वो तो दांतों उंगलियां डाल के बैठ गई, ये क्या हो गया, तो ये दूसरा कंफ्लिक्ट ही आता। मैंने मिसाल दी है, ऐसा हमेशा नहीं होता, वो दूसरी बात हो रही होती है, यानी अथॉरिटी को वो जब यूज करते हैं तो हमारा जो है वो प्रिंसिपल का और जो मैनेजर्स हैं उनका जो है वो मामला गड़बड़ जाता, बोला यार ये तो कैसे अथॉरिटी यूज कर ली उन्होंने, तो दूसरा कंफ्लिक्ट ये आता है। प्रोसेस वर्सेस प्रोडक्ट, तीसरा जो कंफ्लिक्ट हमारा आएगा स्कूल के अंदर वो प्रोसेस वर्सेस प्रोडक्ट। तालीम का जो अमल है वो प्रोसेस है, ठीक है, और हम डिमांड कर रहे होंगे प्रोडक्ट की, कभी हम प्रोसेस की बात कर रहे होंगे तो वो प्रोडक्ट दिखा रहे होंगे। प्रोडक्ट से मुराद समझ रहे हैं आप, मिसाल के तौर पर हम कहें भाई ये छठी जमात के आखिर तक बच्चों को पाकिस्तान का जोग्राफिया समझ में आ जाना चाहिए। अब वो बुलाया हमने एक बच्चे को, उससे पूछा उसने नहीं बताया, दूसरे को बुलाया नहीं बताया, तीसरे को बुलाया नहीं बताया, हमने टीचर को बोला ये तुमने क्या पढ़ाया, तुमने क्या किया ये पूरा साल, ये तो नहीं आता किसी को भी कुछ, आप क्या चेक कर रहे हो, प्रोडक्ट। उसके जहन में क्या है जवाब, वो आपको देगा सर ये तो प्रोसेस है, मैंने भी सिखाया, अगले साल फिर ये रिपीट करेंगे, अगले साल ये फिर इनकी बेसिस रखी जाएंगी, फिर से इनको थोड़ा बहुत समझाया जाएगा, ये तो प्रोसेस है पूरा, तो हो सकता है 12वीं जमात तक कंप्लीट हो, तो ये कंफ्लिक्ट आएगा। हमारा भी आता है, हम फिजिक्स पढ़ाते हैं, मैं 10वीं क्लास में फिजिक्स खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं, अब मेरे किसी बच्चे को बुला के अगर पूछेंगे ये क्या है, वो नहीं बता पाएगा, मुझसे पूछेंगे ये क्या है, तो मैं पता है क्या कहूंगा, मैं कहूंगा तो प्रोसेस है लर्निंग का, ये ऐसा थोड़ी होगा कि मैंने 2 + 2 = 4 आ गया तो आ गया, ऐसा नहीं होगा, ये लर्निंग है। अभी ये सीखेंगे, देखें फर्स्ट ईयर की फिजिक्स खोलेंगे, पहला ये चैप्टर क्या होगा वेक्टर का, दूसरा चैप्टर क्या होगा न्यूटन के कानून, यानी वही चीज उसने वहां पढ़ी, यहाँ क्या हो रही है रिपीट हो रही है, तो प्रोसेस है। हाँ ये हो कि वो MSc कर जाए फिर उससे पूछो न्यूटन का कानून, वो नहीं बता पाए तो मसला है। तो ये तीसरा कंफ्लिक्ट क्या आएगा, प्रोसेस वर्सेस प्रोडक्ट। हमारी आपस की बातचीत में जी आउटकम बिल्कुल ऐसे समझ लें, ठीक है। उसके बाद है पावर वर्सेस मोरल, ये मोरल नहीं है, मोरल ALE है, दूसरा लफ्ज है। पावर वर्सेस मोरल का मतलब क्या होता है, देखिए इख्तियार और पावर जब आपके पास होता है, ठीक है, तो जब आपके सामने मसला आता है तो आपकी प्रायोरिटी होती है कि आप उस पावर के साथ उस मसले को हल कर डालें, ठीक है, ताकत का इस्तेमाल करें,
फायर कर दें, लड़के को थप्पड़ लगा दें, इसको हम क्या कहते हैं? पावर। और मोरल का मतलब ये होता है कि आपके अंदर बेयरनेस बहुत है, आपके अंदर बेयरनेस बहुत है, यानी आप थप्पड़ नहीं लगा रहे, ठीक है, आप फायर नहीं कर रहे, ठीक है। ये दोनों जगहों पर कंफ्लिक्ट आएगा। कभी ऐसा होगा कि बेयरनेस की जरूरत थी, पावर आ गया, पावर की जरूरत थी, बेयरनेस में मसला ही हल नहीं हुआ। तो ये मैनेजमेंट इन दो चीजों में बड़ी फंसी रहती है कि कहां पावर लगानी है और कहां बेयरनेस को जो है वो इख्तियार करना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम पावर का इस्तेमाल करते हैं, बाद में पछताते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है हम बेयरनेस का इस्तेमाल करते हैं और बाद में पछताते हैं, यार ये क्या हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था उस वक्त हमें। तो ये चार कन्फ्लिक्ट्स हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में और खासतौर पर स्कूल के ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो आते हैं आपके सामने। अब इनको समझने के लिए कि स्कूल जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्या आप जो सिस्टम चलाते हैं उस सिस्टम में ये चारों कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो जाते हैं आपसे या नहीं होते हैं? ये सवाल है। क्या आपके पास ऐसा सिस्टम मौजूद है जिसमें ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैंडल हो जाएं? तो नतीजे के तौर पर आपके जहन में एक 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 इमेजिनरी स्कूल आ गया, कि ऐसा स्कूल जिसमें ये चारों कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने की मेथडोलॉजी डिफाइन हो। मेरी बात पकड़ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा जी, अगर आप हम और आप स्कूल चलाते हैं, स्कूल जो मौजूदा सोसाइटी में स्कूल है उसके तीन इमेजेस जो है वो जहनों में आते हैं। पेरेंट्स से पूछो स्कूल को कैसा होना चाहिए, वो आपको एक चीज बताएगा, ठीक है। बच्चे से पूछो स्कूल कैसा होना चाहिए, वो भी आपको एक चीज बताएगा। यहां से आ जाए, ठीक है।